सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। अब पिछले संडे मैंने बोला था कि अगले संडे फेस कैम के साथ वापस आऊंगा और आपका बापूजी वापस आ चुका है, तो चलो इस बापूजी के साथ न्यूज की शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, इनके साथ भी शुरुआत कर लेते हैं। सो पहली न्यूज की हम बात कर लेते हैं जो आ रही है स्नेल की तरफ से। सो रिसेंटली स्नेल ने एक और वीडियो अपलोड करी है मायावी के ऊपर। एंड एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि स्नेल मायावी के ऊपर काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एंड इनफैक्ट काफी सारी ऑडियंस का भी यही कहना है उनके ही कॉमेंट सेक्शन में कि जब टीम मायावी को बैन दे दिया गया है एंड इट्स डिसाइडेड कि हाँ वो लोग लेजिट नहीं थे, स्टिल उनके बारे में बात करना ये चीज समझ नहीं आ रही है। एंड ऐसे ही कुछ यहाँ पर सिड भाई का भी कहना है, जहां पर सिड भाई ये बोलते हुए नजर आ जाते हैं, बॉयज पेड मीडिया विल ट्राई टू डाइवर्ट एंड दे विल स्टूप टू न्यू लोस एवरी सिंगल डे, बट डोंट फॉरगेट अवर गोल इज BGIS। टीम पर फोकस करो और पॉजिटिविटी रखो। इट स्टार्टेड ऑफ एज क्लीनिंग द कम्युनिटी बट इट्स वेरी एविडेंट व्हाट इट हैज टर्न इनटू राइट नाउ। द टाइमिंग इज ऑलवेज ऑन पॉइंट, इग्नोर करें और BGIS के लिए चीयर करें। साथ ही साथ वो यहाँ पर एक और ट्वीट करते हुए नजर आ जाते हैं, आई हैव हैड इनफ एट दिस पॉइंट, ही इज माई बॉय एंड ही हैज सफर्ड इनफ, आई विल टॉक अबाउट दिस एज सून एज BGIS इज ओवर, अंटिल देन प्लीज स्टे काम एंड इग्नोर द नॉइज। यानी कि वो कहना चाहते हैं इन शॉर्ट कि बेसिकली बहुत ही कोइंसिडेंटली कह लो, बहुत ही अजीब सी टाइमिंग है कि जब BGIS का फाइनल्स चलने वाला है उस टाइम पर ही ये वीडियोस क्यों ड्रॉप हो रही हैं। एंड वो बोलते हैं इट इज बेसिकली हैरेसमेंट एट दिस पॉइंट, एक ही चीज को 200 बार बोलना और बीच में स्पॉन्सर का प्लग डालना, इट जस्ट नॉट कूल। एंड वेल सिड भाई यहाँ पर इस टॉपिक को एड्रेस करते हुए नजर आ जाएंगे BGIS ओवर होने के बाद, बिकॉज BGIS से पहले ऑब्वियसली उनका पूरा प्राइम फोकस, मतलब पूरी आईक्यू सोल का प्राइम फोकस BGIS पर रहने वाला है और उस ट्रॉफी पर रहने वाला है, बट BGIS के बाद वो इस टॉपिक को एड्रेस करते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो ऑल्सो सिड कल के दिन जब लाइव हमें देखने को मिलते हैं देन यहाँ पर वो कार्निवल गेमिंग के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं। वेल आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जब से कार्निवल गेमिंग को एक मोमेंटम मिला है तब से हमें उनकी परफॉर्मेंस ऐसे जाता हुआ देखने को मिली है। एंड यहाँ पर सिड भाई उन्हीं के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं कि आज के दिन क्या वो किसी टीम को टारगेट करते हुए नजर आ जाएंगे एंड उनकी क्या प्रेडिक्शन रहती है वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। पकड़ने का प्रॉब्लम रहता है बट मोमेंटम पकड़ने के बाद सीजी मोमेंटम नहीं छोड़ती, व्हिच इज गुड, बट इंटरेस्टिंग तब होगा अगर ये लोग 100 कर लिए आज, तो कल बदमाशियां होंगी 100%। में वीडियो में आगे बढ़े तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल के बारे में। एंड पॉइंट्स टेबल अभी कुछ इस हिसाब से है, जहाँ पर फर्स्ट पर आपको देखने को मिल जाएगी कार्निवल गेमिंग विद टोटल ऑफ 114 पॉइंट्स, मोगो विद टोटल ऑफ 108 पॉइंट्स एंड वेनम गेमिंग। यार इस टीम ने ना बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है एंड दिस टीम इज एट #3 विद 102 पॉइंट्स। एंड बाकी की रैंकिंग्स भी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। वही कल के दिन की बात करें तो RTG IND ने बहुत ही तगड़ा कमबैक हमें दिया एंड वो अभी 9वें पायदान पे हमें देखने को मिल रही है विद टोटल ऑफ 74 पॉइंट्स। एंड कल की जैसी परफॉर्मेंस अगर RTG IND ने दिखा दी, बिलीव मी ये टीम टॉप 4 में जाने वाली है एंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाली है। बट वही हम बात कर लेते हैं एंटिटी गेमिंग के बारे में। कल का दिन इनका यार बहुत बुरा गया, इनके पास इनफ फिनिशेस नहीं आए, इनफ पोजीशन पॉइंट नहीं आए। आज के दिन यार इनको एक कमबैक देना होगा, अदरवाइज इनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। वहीं HH और इनसेन के साथ भी सेम स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। बट अब बढ़ चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं #15 पर जो टीम है टीम गॉडलाइक, जो कि है टोटल 61 पॉइंट्स के साथ। उनके पास अब रिमेनिंग 4 मैचेस बचे हैं एंड उनको इन 4 मैचेस के अंदर अप्रोक्स मान के चलो 50 से 60 पॉइंट्स के बीच यार उनको अटेन करना पड़ेगा, मतलब सेफ साइड के लिए 60 पॉइंट्स मान लो। बट द फैक्ट इज, मतलब जहां पर सबसे बड़ी निराशा हमें सुनने को मिल रही है, कहते तो हैं यार कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट एक चीज आप खुद सोचो, इस टीम ने 12 मैचेस में 61 पॉइंट्स अटेन करे हैं। क्या ये टीम अगले 4 मैचेस में 50 से ज्यादा पॉइंट अटेन कर पाएगी? कह लो बहुत टफ है बट लेट्स होप। एंड वही BGIS में गॉडलाइक को लेकर के आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इस टीम ने सब कुछ ट्राई कर लिया, बाहर से रोटेशन, डायरेक्ट जोन में जाना, बाहर होल्ड करना, गन फाइट लेना, एग्रेसिव जाना, पैसिव खेलना, सारी चीजें इस टीम ने ट्राई कर ली। स्टिल ये टीम वो परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रही है जो बाकी अदर टीम्स दे पा रही हैं? वेल इसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस वीडियो अपलोड करी है, व्हाट्स हैपनिंग रॉन्ग विद टीम गॉडलाइक। एंड इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। बाकी वही नियो यहाँ पर लाइव होते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर वो कार्निवल गेमिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। भाई कितना किल चिकन मारे? गाइस कितना किल चिकन मारे अपन? 16 किल हाईएस्ट, 16 किल चिकन, लेट्स गो 94 सीधा #1। अब तो हैदराबाद जा रहे हैं।
आ गया, दिल चुराने में आ गया। क्या हो गया भाई इनको, इसकी चैट में क्या हो गया ये? भाई आप जिधर हम उधर, ये बात करी ना भाई तुमने। शाबाश। अरे बाकी हेटर्स है, हेटर्स है, हेटर्स तो गाना नहीं बाकी दे देगा, फिर उसकी हाईलाइट बना दोगे, हाईलाइट बनाओगे, डालोगे नियो कितना टॉक्सिक है, गेमिंग कम्युनिटी कितनी टॉक्सिक है, ये सब एक दूसरे। भाई पहले बोल रहा अपना टीम अच्छा खेल रहा है, उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं ना, मैं कोई टीम के बारे में बोल रहा हूं ना, कोई टीम को गलत बोल रहा हूं ना, कोई टीम को नीचा दिखा रहा हूं, पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूं। अगर हाईलाइट डालोगे तो ये भी डालना, ठीक है? मैं चाहता हूं अच्छा खेले, अब वो उन पे सब अच्छा खेले भाई, सब अच्छा खेले, कोई टीम खराब खेले, कोई नहीं चाहता कोई टीम खराब खेले, अब वो अच्छा खेले ये सब चाहते हैं, लेकिन हमारी टीम सबसे अच्छा खेले, हम ये सबसे पहले चाहते हैं, ये हम सबसे पहले चाहते हैं ऑब्वियसली। जो और में हमको नहीं चाहिए ना कि भाई हम फाइनल क्वालीफाई ना करें, ऑब्वियसली खुश रहेंगे ना, जाना है भाई, क्योंकि मैं अभी इतने टाइम से दुखी था, मैं खुश हूँ, आप कोई और चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर मेरे को इधर आके भर रहे हो, तो ये तो गलत बात है, और तुम लोग मेरे को प्रोवोक कर रहे हो कि मैं कुछ बोल दूंगा, बट मैं नहीं बोलूंगा भाई। कल जब वो चिकन मारे थे तब तो कोई मेरे को आके बोला नहीं थैंक यू, नहीं हो सपोर्ट करता था, पर अभी बराबर सब गाली दे अलग ही है, तो तुम लोग बात है सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, वही तो जब चिकन मारी तब एक टैग नहीं आया मेरे को कि चिकन मारे थैंक यू फॉर सपोर्टिंग इन द बैड टाइम ऐसा, अब अलग पहला उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार एडमिनो सोलो कैरी कर रहा है अभी के टाइम पर गॉड लाइक को, एंड यहाँ पर वो ये कहते हैं कि उनको भी समझ नहीं आ रहा कि गॉड लाइक क्या खेल रही है, मतलब यार ऐसे हमने गॉड लाइक को खेलते हुए कभी नहीं देखा। क्या मैचेस थे आज, मजा आया। हाँ ना रोहिन भाई, मजा आ गया। गॉडल बाहर हो गई, कुछ भी गॉडल का क्या सीन है रे भाई कल, क्या मैं गॉडल मान्या हूँ जो मुझसे पूछ रहे हो, या आप पागल हो जो आप मुझसे पूछ रहे हो। गॉडल अनफॉर्चुनेटली चोको हो गया उनका, बहुत बेकार खेल रहे यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ओवर थिंकिंग गेम प्ले अभी, कोई नहीं, बट कल हो सकता है। जाहिर व्यूज ऑन सीजी परफॉर्मेंस, मैं तो बोला ही था सीजी कर लेगी, उनका अप्रोच अच्छा था ना सेमीज वन के एंडिंग में, तो वो अप्रोच के साथ खेलेंगे तो अच्छा ही जाएगा ना। 8-bit का क्या लग रहा भाई, क्या अभी तो वो डाइसी मूड में है ना, कट जानी चाहिए। गाइस अप्रोच कॉन्फिडेंस के ऊपर सब कुछ है, अगर अप्रोच और कॉन्फिडेंस वो सही रखेंगे तो कर जाएंगे। गॉडल क्वालिफाई होगा ये तो गॉडल को पता है यार, ये तो गॉडल कल बता देगी आप लोग को कि हम कहाँ जाएंगे। 8-bit क्या लग रहा यार, 8-bit तो फिर भी ठीक ठाक कंफर्टेबल प्लेस में है, कुछ पॉइंट्स उनको चाहिए होंगे, 4 में से अगर एक भी मैच अगर बाहर निकाल दे तो भी हो जाएंगे, या कंसिस्टेंट खेलेंगे तो हो जाएंगे, कर जानी चाहिए 8-bit, कर जाएगी। एडमिनो क्या खेल रहा भाई, मस्त एकदम। हाँ ना एडमिनो अकेला खेल रहा है ऐसा लग रहा है, मतलब होता है ना अपने साइड से पूरा जान लगा रहा है, एडमिनो को देख के लग रहा है। इनफैक्ट मेसी भी ड्यूरिंग इस कास्टिंग यहाँ पर जोनाथन के स्प्रेस के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं, एंड ऑल इन ऑल वो क्लिप ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि जोनाथन एक समय था जब वो लेजर स्प्रे हमें उनके द्वारा देखने को मिलता था, और खिलाड़ी डरते थे कि हाँ वो सामने खिलाड़ी है कौन, और आज के दिन पे हम देख पा रहे लड़खड़ाहट उनके वो स्प्रे में, एडमिनो वो भी नॉक करेंगे, और अब टीम गॉडलाइक वो बसते हैं अपने आखिरी खिलाड़ी के साथ, और देखना यह है कि सिंप वो अपनी टीम को कहां तक लेकर जा सकते हैं, कहीं भी नहीं क्योंकि उनका एलिमिनेशन हो चुका है, वो बिजलू ही थे जिन्होंने सिंप को समाप्त किया टीम गॉडलाइक, रैंगल भ्रमण करते करते उनका एलिमिनेशन। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम बात करने वाले ओवेस के बारे में, ओवेस यहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं क्राफ्टन के स्ट्रिक्ट एक्शन को लेकर के हैकर्स के ऊपर, हैकर्स के ऊपर, एंड ओवेस ऑल्सो यहाँ पर गॉड लाइक के बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं, ऑन स्क्रीन डायरेक्टली आप वो क्लिप देख सकते हो भाई। अरे अंदाजा
हाँ ये मैं जाऊंगा। कांट अंडरस्टैंड चल रही टीम पॉइंट की परफॉर्मेंस में इतना डिप कैसे आ गया है कि टीम डबल डिजिट में भी पॉइंट नहीं ले पा रही है यार। यही तो बात है, जब एडमिन तुम्हारे घर जाएंगे तो यही होता है। और सिर्फ टाइम की बात नहीं, और भी टीम्स है जिनके पॉइंट बहुत आ रहे थे, नहीं आ रहे। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, अगर ये सब सही हो गया ना तो सिर्फ बहुत असल में जो मेहनती अंडरडॉग्स टीम है ना वो ऊपर आ पाएंगे। असल में लेजिट लेजिट अंडरडॉग्स टीम जो मेहनत कर रहे हैं वो आएंगे ऊपर, जब जिस दिन ये सब स्टॉप हो जाएगा। और बहुत इवन टीम्स जो मेहनत कर रही हैं उनको फायदा होगा। एंड गॉड लाइक के साथ क्या गलत हो रहा है, क्या जोनाथन को बेंच करना चाहिए या सिम को बेंच करना चाहिए, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।